दुल्हा दुल्हन का वेडिंग ड्रेस खरीदते हुए ये तीन बातें आप लोगों का बहुत बड़ा फ़ायदा कर सकती है। तो चलें जी, मैं आपको बताती हूँ तीन गलतियाँ कौन सी हैं। नंबर 3 पे है जी, कभी भी ये गलती मत कीजिएगा। अब आप देखें कि हमारा सारा मसले हल हो गए हैं, हाल भी बुक हो गया, खाने का भी बन गया हुआ है, कार्ड वगैरह भी छप गए हैं, अब मसला रह गया बस आपके वेडिंग ड्रेस का। तो घर वालों का प्रेशर भी होता है, कोई कहता है पेंट शर्ट पहन लो, कोई कहता है सलवार कमीज पहन लो, कोई कहते हैं शेरवानी पहन लो। तो हर कर कुरान किस पे नाम निकलता है, वो निकलता है शेरवानी के। तो आप जब शेरवानी लेने जाते हैं तो प्लीज़ उस पर तीन गलतियाँ मत कीजिएगा। जो कि सबसे पहले नंबर 3 पे वो मैं आपको बताती हूँ, वो ये है कि आप लोग जब लें तो कलर उसमें लें कि जिसमें ब्राइडल का सूट भी मैच हो रहा हो, यानी कि आपकी शेरवानी का कलर जो है वो ब्राइडल के सूट के साथ मैच करता हो। जैसे उसका रेड है और बीच में वो ऑफ वाइट हो जाता है, आप थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर में ले लें। अगर उसके साथ गोल्डन है उसका सूट, तो आप उसके साथ गोल्डन भी कर सकते हैं, जैसे ब्लैक के साथ गोल्डन का हो सकता है। थोड़ा सा टच लाद में उसके सूट का रखिएगा, इससे आपकी पिक्चर बहुत अच्छी आएंगी और आपकी वीडियो बहुत ही शानदार किस्म की बनेगी। ठीक हो गया जी। तो नंबर 2 पे आ गया जी, नंबर 2 पे आ गया कि शेरवानी जो है वो हमेशा अपने फिटिंग में सिलवाइएगा। जो शॉपकीपर हैं वो लाजमी ये कहते हैं कि नहीं जी, नहीं ये आपके ही साइज़ की बनी हुई है, तो आप लोग उन पर बिलीव मत कीजिएगा और उसको पहन के देखें, जो जहाँ से छोटी बड़ी है उसको सही करवाएं। अपने नाप के लिए अगर खुली पहनेंगे, तंग पहनेंगे तो आपको सूट नहीं करेगी, आपकी कोई पिक्चर अच्छी नहीं आएगी। ये सारी ज़िंदगी में एक दफ़ा ही मौका इंसान की ज़िंदगी में आता है, इसको प्लीज़ ज़ाया मत कीजिएगा। अपने नाप की अपनी फ़िटिंग के हिसाब से शेरवानी खरीदिए, बनवाइएगा। तो लें जी, अब आगे दूल्हा साहब के पहले नंबर पे जो गलती होती है वो ये है कि अपने कद के हिसाब से, अगर आपका कद छोटा है तो आप कुल्ला लाजमी लीजिएगा। कुल्ले से ये होगा कि आप लोग लंबे नज़र आएंगे। दुल्हन का कद अगर आपके बराबर भी है ना, तो आप कुल्ला पहन लेंगे तो आपकी वीडियो बहुत ही शानदार बनेगी, आप इंशाल्लाह लंबे नज़र आएंगे, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, कपल अच्छा लगेगा। तो चलें जब आ जाते हैं ब्राइडल की तरफ, ब्राइडल का नंबर 3 पे आ जाएगा कलर ऐसा ले रेड में, लाजमी वो दूसरा कलर चूज़ करे कि जिससे वो जो ग्रूम है, जो दूल्हा है, वो अपना कलर खरीद सके। कम्बिनेशन ऐसा करे कि अपने में वाइट, ऑफ वाइट, गोल्डन लाजमी करे जो वो बना सके, मेहरून शेड हो जाए, कोई भी शेड हो जाए। और दूसरे पे आ गया जी उसका कद, अगर तो उसका कद छोटा है दुल्हन का, तो वो कभी भी ये गलती ना करे कि कमीज़ छोटी ले, शॉर्ट शर्ट कभी भी ना बनाए। उसको चाहिए कि उसका कद छोटा है तो उसको चाहिए कि अपनी शर्ट लॉन्ग रखे, लॉन्ग शर्ट से ये होगा कि वो लंबी लगेगी, शॉर्ट शर्ट से ये होगा कि और कद में छोटी लगेगी। ये गलती कभी भी ना करे। और आखिर पे आ जाती है 1 वाली गलती कि जो हम लोग ये करते हैं, अगर तो दुल्हन कद में लंबी है, दूल्हे से थोड़ी लंबी है, तो कभी भी लंबी हील ना पहने, हमेशा छोटी हील का इस्तेमाल करें। और अगर कद में छोटी है तो फिर फुल लंबी हील पहने और अपनी जो शर्ट है वो लॉन्ग रखे, लॉन्ग शर्ट रखेगी तो उससे ये होगा कि वो लंबी लगेगी। तो ये आप लोगों को आज मैंने बताना था वीडियो में, वो मैंने बता दिया, तो आप लोग इस पर अमल करें, इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत ही प्यारी जोड़ी लगेगी और बहुत ही अच्छा कपल लगेगा, जिससे ये होगा कि तस्वीरें ही बहुत अच्छी आएंगी आपकी और वीडियो भी बहुत ही अच्छी बन जाएंगी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ फीडबैक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी। जो गलतियाँ मैंने आपको बताई हैं वो आपको वाकई लगता है कि ये लोग गलतियाँ कर लेते हैं कि नहीं करते, ये मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा, मुझे खुशी होगी आप लोग मुझे राय देंगे। तो ओके जी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है आप लोगों से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।